अजीत सिंह के जन्मदिन पर जयंत चौधरी करने जा रहे हैं ये बड़ा काम। बीजेपी सरकार की विफलताओं को लेकर गांव-गांव जाएंगे रालोद कार्यकर्ता। गन्ने का दाम, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर एक सप्ताह तक गांव-गांव चलेगा ये कार्यक्रम। 12 फरवरी चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन है। चौधरी अजीत सिंह जी के जन्मदिन पर लोकदल एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलाएगा कि जो सरकार की विफलताएं हैं, जो इन्होंने वादे किए हैं, इन्होंने करा कुछ नहीं है। सन 14 से लेके आज 22 हो गया। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, मोदी जी ने, रोजगार नहीं मिला। आपने कहा था स्विट्जरलैंड का पैसा वापस लाएंगे, आप स्विट्जरलैंड से पैसा वापस तो लाए नहीं, उल्टा जितना पैसा था उससे दुगना जमा हो गया। ये सरकार का आंकड़ा मेरा नहीं है, तो आप वहाँ फेल हुए हो। आपने किसानों को कुछ नहीं दिया, आपने कल बजट पारित किया, गांव में किसान का जिक्र नहीं है। उसमें तमाम तरह तरह की बातें हैं, नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, अच्छी बात है नर्सिंग कॉलेज खोलो, पर गांव में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। अगर वो है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, बच्चा पैदा होने में बच्चा मर रहा है, उसकी माँ सेप्टिक से मर रही है, तो इन सवालों का जवाब कौन देगा? ये तमाम सवाल हैं। स्वास्थ्य पर कुछ नहीं कर रही है सरकार, किसान पर कुछ नहीं कर रही है, गन्ने पर कुछ नहीं किया, गन्ने का रेट तय नहीं किया, गन्ने का सीजन आदेश ज़्यादा निकल गया, ना गन्ने का बकाया दिया, गन्ने पर ब्याज नहीं दिया 6 साल से योगी जी ने। तो मोदी जी, हमें आपसे जवाब चाहिए कि आप किसान के लिए क्या कर रहे हो? सिर्फ भाषण से थोड़ी पेट भरने वाला, और आप कह रहे हो कि हम जो एक साल फिर अन्न बांटेंगे, ठीक है आप गरीबों को दे रहे हो, पैदा कौन कर रहा है? ये चीनी, गन्ना, धान, चावल, ये पैदा कौन कर रहा है? उनके बारे में आपकी क्या राय, ये भी तो जरा बता दें। बीजेपी ये देता तो अपनी पीठ थपथपा रहा है कि ऐसा बजट ही कभी हमने नहीं दिया, इससे बेहतरीन शानदार बजट नहीं। आपने बजट दिया है उद्योगपतियों के लिए, आपने कार पर छूट दी है, बिल्कुल बधाई दे रहा हूँ मैं भी बीजेपी वालों को, आपने अच्छा बजट दिया। आपने किसान के निधि में 2000 रुपये से एक नया पैसा नहीं बढ़ाया, आपको बधाई। आपने गन्ने का दाम नहीं दिया आज तक, दाम तय नहीं किया आपने। केंद्र सरकार गन्ने का दाम नवंबर दिसंबर में तय करती थी, आपने फरवरी में नहीं दिया, आपको बधाई। तो बधाई तो इनको हजारों हैं, बधाई लेना चाहते हैं तो मैं इनको बधाई दे दूंगा कि इन्होंने बहुत बधाई का काम किया। ये अपनी पीठ थपथपाते हैं, बीजेपी का मतलब रोज़ झूठ बोलना है। ये सरकार अडानी चला रहे थे, अब अडानी फेल हो गया है, उसका झूठ सामने आ गया है कि उसने सब नकली करके, अब कल कह रहा है कि मैं शेयर धारकों का पैसा लौटाऊंगा। ये सब उसी तरह के लोग हैं, और पूरी सरकार उसको ही पैसा कमाने में लगी हुई थी। सारा अडानी को दिया जा रहा था, 6 एयरपोर्ट दे दिए गए, गंगा एक्सप्रेसवे दे दिया गया, कोयला विदेश से अडानी लाएगा, हर काम अडानी करेगा। मतलब एयरपोर्ट में तो सी पोर्ट तो हाँ, बंदरगाह तो जब मुख्यमंत्री तभी दे दिया, तो सारा पैसा अडानी को दिया जा रहा था, और ये शो करा जा रहा था कि भारत तरक्की कर रहा है, और भारत का एक सेठ जो है दुनिया में 3रे नंबर पे पहुंच गया। अब पता लगा जब कागज़ खुले और जांच करी तो 13वें 14वें नंबर पर आ पड़ा। मतलब सब फैब्रिकेटिंग स्टोरी है, सब फैब्रिकेटिंग। तो इसलिए आपकी नज़र में बेकार है बजट? नहीं, बजट बेकार नहीं, बजट में ठीक है, जैसे पहला बजट था सेम ऐसा ही है, सो है, कुछ क्षेत्रों में काम किया, पर मैं कहता हूँ छात्र, नौजवान के लिए, रोजगार के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए उसमें कुछ नहीं है। जो बड़ा तबका है देश का, 70% किसान है, 50% महिलाएं हैं, कई करोड़ नौजवान सड़कों पर घूम रहे, उन पर कुछ नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेकार है। अरे भाई गाँव में बताओ, गाँव में कहते गाँव अस्पताल बनाएंगे, अगर मोदी ये कहते गाँव अस्पताल बनेगा और वहाँ डॉक्टर अनिवार्य होंगे तो मुझे अच्छा लगता। अगर वो कहता कि जो हम 2000 महीना दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, 6000 रुपये साल, इसको हम 20000 कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता। आपको लगता है जो आप गांव-गांव जाने की और गली गली जाने की बात कर रहे हैं, कितने लोग इस तरीके से आपने जोड़े हैं, कितना लगता है कि आप पूरी इससे जो है आप 2024 को फतह कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, हमारे पास चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी है। हमारा नेता देश में एक ऐसा नेता हुआ जिसने गांव, किसान, गरीब के बारे में अपनी राय रखी है, उस आधार को लेकर हम जाएंगे गांव में। चौधरी अजीत सिंह जी के जन्मदिन पर हम जा रहे हैं, और हमारे पास एक विजन है, और इस देश की खुशहाली का रास्ता आज भी, मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूं, मैं इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं, मैं इस बात के खिलाफ नहीं कि शहरों में तरक्की ना हो, पर मैं इसका पक्षधर हूँ कि गाँव में भी तरक्की होनी चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि सरकार उनकी तरफ भी देखे जिनकी तरफ नहीं देख रही। ये तो स्मार्ट सिटी कहाँ बन गए, स्मार्ट सिटी ना, स्मार्ट सिटी बने गांव बर्बाद हो गए। तो हमारे पास तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम हमारा विजन है, हम उनके उन सवालों को लेकर, किसान की फसलों के दाम को, बेरोजगारी के सवाल को, लॉ एंड ऑर्डर के, आज अगर मैं ईमानदारी से कहूँ
तो जो गरीब की बेटी पैदल चल रही है सड़क पर, कि योगी जी के ज़माने में अगर पिछले 6 साल के गरीबों पर रेप का इतिहास रिकॉर्ड निकाला जाए तो आज़ादी से लेकर अब तक का है इतना दलित बेटियों के साथ रेप हुआ। वो कहने में चुके मैं एक जाति उसकी बात नहीं कर पा, चूँकि गरीब की बेटी ना खेत में जा सकती ना सड़क पर चल सकती, जो ये हो रहा है इस पर कुछ नहीं कोई बोलेंगे। इनके एक MLA ने किया सेंगर ने, उसे योगी जी बचाते रहे, बाद में जो दिल्ली में मामला आया तो कोर्ट दिल्ली की कोर्ट ने सजा दी और जन्म कैद काट रहे हैं वो, योगी जी उसे पार्टी से नहीं निकाल रहे थे। तो ये इनका एक सोची समझी रणनीति है, दूसरे लोगों के यहाँ ED CBI भेजते हैं और अपने नेताओं को बचाते हैं, ये एक इनका फंडा है। जैन चौधरी का चुनाव तो क्या सर्वसम्मति से पहले अध्यक्ष चुनेंगे या पूरी प्रक्रिया होगी? नहीं देखिए, जयंत चौधरी जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनने के हमारे एक अध्यक्ष के हमारे नियुक्त हुए हैं पूर्व विधायक पूर्व मंत्री शिवकरण सिंह जी, वो चुनाव अधिकारी हैं। जो आदमी चुनाव लड़ना चाहे अपना नाम दे सकता है, जयंत चौधरी लड़ना चाहे तो जयंत चौधरी देंगे। हम मैंने सम्मेलन बुलाया, हमने सब कुछ और भेजी है, हम उसमें चुनाव कराएंगे और अगर सब लोग चाहेंगे जयंत चौधरी हो जाएंगे, कोई और चुनाव लड़ने में आना चाहेगा वो आ जाएगा, चुनाव होगा और ये 14 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ठीक है।